प्रश्न नंबर 5 है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यहाँ पे अधोलिखिता नाम अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर एक पदेन एक पद से लिखत लिखो। यहाँ पे देखिए प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नानाम ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है और षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में होती है और संबंध के चिन्ह काकी के होते हैं, इसलिए प्रश्नानाम चूंकि बहुवचन का है तो इसलिए प्रश्नों ऐसा बनेगा। तो प्रश्नों और उसके चिन्ह जो है षष्ठी संबंध कारक के काकी के होते हैं, उनका चिन्ह लगा करके अर्थ बना लेंगे। तो यानी कि प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर एक पदेन, ये देखिए तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, जैसे बालक का बालकेन बनता है, और तृतीय विभक्ति कर्ण कारक में होती है और कर्ण कारक का चिन्ह से होता है। तो एक पदेन एक पद से लिखत लिखो। इसके बाद में क दिया है, मंचे कति काल बालक विहा उपविष्टा संति। मंचे यानी मंच शब्द है और मंच अकारांत शब्द है और अकारांत शब्द का रूप जो है बालक की तरह चलेंगे, बालक के बनता है मंच का मंचे। इस तरीके से सप्तमी विभक्ति एक वचन बनेगा और सप्तमी विभक्ति जो अधिकरण कारक में होती है और अधिकरण कारक चिन्ह में पर होता है, तो इसलिए मंचे अर्थात मंच पर। कति माने कितने, ये कति जो है वो संख्या पूछने के लिए कति अव्ययपद का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो बाल कवया बाल कवि, एक बाल कवया कवया जो शब्द बना है वो जैसे कवि का कवया मुनि का मुनिया इस तरीके से बनता है, तो इकारांत शब्द का रूप है ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। तो बाल कवया बाल कवि उपविष्टा बैठे हुए संति हैं, कहने मतलब मंचे मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं, तो हमें एक पद में उत्तर देना है। तो हमें कति अर्थात संख्या पूछी गई है, तो हमको संख्या लिखनी है। अब संख्या चूंकि इसमें कितने कवि बैठे हुए थे, चार कवि बैठे थे और एक से चार तक की संख्या जो है वो स्त्रीलिंग पुंलिंग और नपुंसक लिंग में तीनों में अलग अलग रहते हैं। जैसे चत्वारा, यहाँ पे देखिए पुंलिंग में हम लोग चार को चत्वारा ऐसा लिखते हैं, और यदि स्त्रीलिंग होता तो हम चतस्रः ऐसा लिखते, और यदि हमें नपुंसक लिंग पद होता तो वहाँ पे क्या लिखते हैं हम चत्वारि ऐसा लिखते। और चूँकि बाल कवि कितने हैं, चार, यानी बाल कवि क्या है, कवि जो है पुंलिंग शब्द है, इसलिए हमें इस संख्या का प्रयोग करना होगा चत्वारः ऐसा लिखा जाएगा यहाँ पे चत्वारः चत्वारा बाल कवया उपविष्टा संति। यदि हमको पूर्ण वाक्य में लिखते तो कैसे लिखते, मंचे चत्वारा बाल कवया उपविष्टा संति। ख के कोलाहलम कुर्वन्ति, यहाँ पे देखिए के दिया है, ये कोई हिंदी का शब्द नहीं है, ये किम शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है पुंलिंग में, के बनता है तो देखिए कैसे बनता है, कह कऊ के अर्थात कौन, कोलाहलम अर्थात शोरगुल कुर्वन्ति करते हैं, कौन शोरगुल करता कर रहा है अर्थात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा कुर्वन्ति चूंकि बहुवचन क्रिया है इसलिए कर रहे हैं, इस तरीके से अर्थ निकलेगा। तो कोलाहल अर्थात शोर कौन कर रहे हैं, श्रोता रहा श्रोता रहा अर्थात जो श्रोतागण हैं वो कोलाहल कर रहे थे। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तोति, गजाधर कम माने किसको उद्देश्य उद्देश्य करके लक्ष्य करके काव्यम कविता को प्रस्तोति प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे गजाधरः कम उद्देश्य, कम यहाँ पे कम शब्द मतलब कम अधिका पर्यायवाची कम नहीं है, ये कम जो शब्द है वो किम शब्द का ही द्वितीय विभक्ति में जब रूप बनाते हैं तो कम लगता है, कम कम कऊ कान इस तरीके से रूप बनता है। तो ये कम किसको अर्थात एक वचन में पूछ रहा है केवल, गजाधरा कम किसको उद्देश्य लक्ष्य करके काव्यम प्रस्तुति या काव्य प्रस्तुत करता है कविता प्रस्तुत करता है, तो गजाधरा यानी कम की जगह पर क्या आ जाएगा, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य को।
आधुनिकम वैद्यम, अर्थात आधुनिक वैद्य को उद्देश्य लक्ष्य करके काव्य प्रस्तुत करता है। घ है तुंदिलः, कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिल जो था वो कस्य ऊपर ही, किसके ऊपर हस्तम हाथ आवर्तयति अर्थात फेरता है। तो कस्य की जगह यहाँ पे देखिए किम शब्द का इसी कह जो दिया है, तो ये षष्ठी विभक्ति में इसके रूप चलते हैं कस्य कयो केशाम। और यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप ही है कस्य, अर्थात किसके ऊपर हस्तम आवर्तयति, किसके ऊपर हाथ फेरता है। तो तुंदस्य, तुंदस्य मतलब पेट पर, तुंदस्य उदरस्य वा, यानी कि उदरस्य भी ले सकते हम लोग हैं, उदरस्य उदरस्य। और उसके बाद में दिया है लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। लोके अर्थात संसार में, यह सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है और सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में होती है, अधिकरण के चिन्ह में पर होता है। तो लोके अर्थात लोक में अर्थात संसार में पुनः पुनः बार बार कानि क्या भवंती होता है, तो अर्थात कानी जगह पर यहाँ पे आ जाएगा शरीराणि। शरीराणि किम कृत्वा घृतम पिवेत, किम माने क्या, कृत्वा करके घृतम पिवेत, घृत अर्थात घी पीना चाहिए, यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पिवेत। इस तरीके से चार वाक्य कहते हैं कि किम कृत्वा घृतम पिवेत, ऋण कृत्वा ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, ऋण करके घी पियो, ऋणम ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, जैसा कि कहा था यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पिवेत।